फ्रीडम मैच जो कवर करने वाले केन्या वर्सेस डेनमार्क भी, जो कि CWC का वनडे मैच खेला जाएगा, आप देखोगे तो कल संडे है और मुझे लग रहा है संडे का सबसे बेस्ट मैच भी आप कह सकते हो। बस इस मैच को कोशिश करना है कि ग्रैंडली वगैरह भी टारगेट करके चले। इस मोहल्ले के लिए भी सही मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज का फोर्थ मैच है और ठीक मैच है, कोई ख़राब मैच नहीं है। सबसे पहला काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट अपने को नॉर्मली करके चलना है, ये मतलब हाई इन्वेस्ट कर देना, इन्वेस्टमेंट आपको नॉर्मली करके चलना है। वीडियो का स्टार्ट से अंत तक देखना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में। सबसे पहला काम कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग फाइनल टीम के लिए, क्योंकि ऐसे मैच टीम जैसे हम देते हैं ना, सालों से दे रहे हो, सालों से कवर करें आपको, 5-6 साल से आपको फाइनल टीम दे रहे हैं। तो टेलीग्राम चाहिए उसे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, लिंक 100% काम करता है। टेलीग्राम चाहिए एक बार ज्वाइन करोगे ना, मैं कैनाइट ग्रांटी के साथ कह सकता हूँ, लाइफ में कभी भी आपको दूसरा चाय को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मैच की फाइनल आपको हम ही दे देते फ्री में, और विनिंग टीम देते हैं, और हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं, डोमेस्टिक के जितने भी मैचेस होते हैं लगभग हर एक मैच कवर करते ही है। तो ज्वाइन जरूर से कर लेना फाइनल टीम के लिए। टेलीग्राम चाहिए कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, पहले वाले लिंक पर जैसे क्लिक करोगे इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, फिर ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना। लेकिन उन्हीं लोग वही लोग ज्वाइन करना जो YouTube पे सब्सक्राइब करते हैं, पहले बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग YouTube पे सब्सक्राइब करते हैं तो ये विन करोगे ना, अदरवाइज नहीं विन करोगे। मैं स्टार्टिंग में ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो मैच है सेवन्थ मैच है सीरीज का, ठीक है, सॉरी फोर्थ बोल देते, सेवन्थ मैच है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये मैच जो खेला जिम खाना क्लब में खेला जाएगा, वही विकेट है जहाँ पे इसके बाकी मैचेस खेले गए थे, वही नहीं भी मैच खेला जाएगा जहाँ पे अभी जो सुबह मैच नहीं कवर किया था, कौन सा मैच था जो 12 बजे आज था, वही वही विकेट यूज़ किया जा रहा है। अरे ये वाला मैच याद भी नहीं आ रहा, ये कहाँ गया, ये वाला PNG और जर्सी का, यही विकेट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यही विकेट है सेम टिट्टो, इतना याद रखिएगा, वही विकेट जिम खन्ना क्रिकेट क्लब में मैच खेला जाएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर अभी तक तो इसे कुछ अपडेट्स नहीं आए हैं, तो वही विकेट है, बोलो जर्सी के जो मैच है टोटल 207 रन बने, तो वही विकेट है क्या, मैं तो ये सब चीज़ें चेस इस विकेट पे हो जाता है, कैन सक्सेसफुली चेस कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, राखी पटेल वगैरह लीड करेंगे तो चेस हो ही जाएगा। और हम बात करें, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं कैन का मतलब कि प्लेइंग में आपको निकाल के दे देता हूँ, जो कि बहुत हेल्प करके टीम क्रिएट करने में, रात के लगभग 11 बजे वीडियो जरूर कर रहा हूँ, देख लो आपके लिए लगातार मैचेस हैं, तो कल का ठीक है, कल संडे भी है, कल खेलेंगे हम लोग। पुष्कर शर्मा जो कि अवेलेबल है, नील के साथ ओपनिंग करेंगे, धीरेन्द्र वर्मा बैटिंग करेंगे, इरफान करीम जो कि पावर हिटर टाइप का प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है, काफ़ी टैलेंटेड है, अच्छी बैटिंग करता है, टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी मिलता ही है। राखी पटेल अवेलेबल है टीम से, इरफान करीम विकेट कीपिंग करने और राखी पटेल कैप्टनसी प्लस टीम से ज़बरदस्त प्लेयर है, कैप्टनसी का ऑप्शन है आपके लिए। सचिन बोडिया जो कि आजकल अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लास्ट विकेट सेंचुरी तक मार देता है। सचिन गिल ऐसे कोई ज़्यादा खास इंपैक्ट तो नहीं डालता है, सैम नगोचे ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, लुकास दत्त बॉलिंग करता है और प्लस हिटिंग भी आजकल अच्छा करता है, सैम नगोचे तो बात ही खत्म, वो हिटिंग भी कर लेता है और दत्त भी बॉलिंग कर लेता है। पीटर जो कि टीम से अच्छा प्लेयर, विराज पटेल जो कि दत्त में स्पेशलिस्ट है, मोस्ट ऑफ द मैचेस दत्त में बॉलिंग करते हैं। तो केन्या का लाइनअप, केन्या फेवरेट टीम भी है, तो आज देख लो इनकी लाइन पे, पुष्कर शर्मा ये भी बॉलिंग करता है बंदा, आपको ही पता होगा, तो ठीक है इनका बॉलिंग मतलब बैटिंग ऑर्डर वगैरह लाइनअप ठीक ही है। अगर हम बात करें डेनमार्क की, तो तरनजीत सिंह बड़ा ही अजीब प्लेयर जो कि टीम से कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन वो बहुत सही खेलता है, बट अभी का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है। हमीद मजहर शाह जो कि टीम से कैप्टनसी करेंगे, जमीर खान वर्णा बैटिंग करेंगे टीम से, शैफ अहमद सूर्य आनंद ये मतलब इन दोनों टीम की जान है, मतलब मैं क्या बोलूँ, दोनों ही टैलेंटेड प्लेयर है। संजीव अवेलेबल है, अब्दुल विकेट कीपिंग करेंगे, ओलिवर अहल जो कि टीम से ठीक प्लेयर हो सकता है, जोनाश जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं, अब्दुल भी अवेलेबल है, ईशान कर्मी भी अवेलेबल है, तो दोनों टीम्स का लाइनअप तो मुझे ठीक ही लग रहा है, दोनों 50-50 वाली टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं केन्या थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट होनी चाहिए। बाकी जो अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, एक बार टेलीग्राम से ज्वाइन करोगे ना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हर एक मैच की टीम विनिंग टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है और सबसे पहले मिलता है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हो, लिंक 100% काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो यूट्यूब सब्सक्राइब करते हैं ना, जितने लोग सब्सक्राइब पहले ऑल पर सेट करते हैं, उतने लोग ही ज्वाइन करें तभी आप विन कर पाओगे सेम टीम के साथ, इतना याद रखिए। 1 लाख सब्सक्राइब अपने थोड़ा सा जल्दी करना है, तो थोड़ा 1 लाख सब्सक्राइब जल्दी से करा लो, ठीक है, बाकी हर एक मैच हम लोग कवर करेंगे। गाइस बात करें विकेट कीपर चेंज हो या जैसे मैं समझाऊंगा ना, आपको पूरे फील्ड में कोई नहीं समझाएगा, तो प्लीज़ आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, अपलोड करने में, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करने में कंजूसी मत करना, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल कॉल पर सेट करने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जूस से कर लेना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी टीम क्रिएट करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जूस से कर लीजिए। 1 लाख सब्सक्राइब करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों से बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब जूस से कर लीजिएगा। बात करें विकेट कीपर सेशन, बहुत लॉजिकली समझाएंगे,
उसे तो तरनजीत पे भरोसा कर चुके हैं, इरफान करीम के साथ ही जाते हैं क्योंकि तगड़ा प्लेयर है, विकेट कीपरिंग प्लस टैलेंटेड और इस फेवरेट टीम का प्लेयर है, तो पिक कर चलते इरफान करीम, अच्छा प्लेयर है। तरनजीत सिंह को ग्रेनेड ट्राई करें, इरफान एक जबरदस्त पिक है, बेहतरीन है बंदा। हमजीत शाह ठीक प्लेयर टीम में से, उसके अलावा नील वगैरह ठीक है, राकी पटेल पिक करके चलते, रुसवर्धन पटेल नहीं, नहीं रुको, दो दो रुसवर्धन, दो रुसवर्धन पटेल था, अभी तो लग जाती है यार, वही मैं सोच रहा, रुसवर्धन पटेल को भी पिक कर, और राकी पटेल पर बदल लिया था सचिन, जो कि आजकल अच्छी बैटिंग कर रहा है बंदा, ठीक ना। नीचे कोई खास नहीं है, नील वगैरह पिक कर सकते हैं, तो रुसवर्धन पटेल अभी, हाँ जहीर का यहाँ पे ये अवेलेबल है बंदा, ठीक ना, जमीर खान ये अवेलेबल है बंदा, पिक कर सकते हो, सेकंड थर्ड एक अच्छा पिक हो सकता है। आप ग्रेटी में जमीर को, एक मिनट को, जमीर को, नील को, इन सबको गेंद ट्राई कर, सचिन बोटिया ट्रम्प कार्ड हो सकता है पहले बैटिंग कर, क्योंकि बंदा सेंचुरी बहुत इजी, वनडे मैच है ना तो बंदे की बैटिंग तो आ ही जाएगा यार। सूर्य आनंद वैसे तो तगड़ा प्लेयर है कहने को, वैसे मैं पिक करना भी चाहूँगा, कोई ख़राब नहीं है, राकी पटेल पिक करो, वनडे मैच है आ ही जाएगी बैटिंग। हैनी किशन अच्छी बॉलिंग करता है, लास्ट में जो बहुत लोग कैप्टन कहते हैं, वैसे हम लोग करते हैं इसी भी सीन को, अच्छा प्लेयर है, 150 पॉइंट एक मैच कोई कम नहीं है, वनडे मैच है भाई पिक कर लो, सैम नगर चाहिए वनडे मैच है पिक कर लो, निकोलच पिक कर लेता अगर खेलते तो, वो हाईलैंड अच्छा प्लेयर, एक रुको तो 304 पॉइंट्स इस सेंचुरी मारे थे ही ना, ये सैफ अहमद अच्छा प्लेयर टीम से, सेंचुरी बंदा मारा था, तो पिक करके चलो, विकेट भी ले गया चार, मतलब एक ही मैच में 304 पॉइंट्स, आप समझ रहे हो, एक अच्छा पिक है भाई। पुष्कर शर्मा ये भी अवेलेबल है, ग्रैनी लेवल स्ट्राइक करके चलेगा अपनी ग्रैनी टीम में, सचिन गिल वगैरह अवेलेबल है, लेकिन देखोगे तो 5 ऑलराउंडर पिक है, आप चाहो तो ओ एल को भी पिक कर सकते हो, ये भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है बंदा, तो चाहो तो डेफिनेट ट्राई कर सकते हो, एक मतलब कि मिडल ऑर्डर आपको संभाल के दे देगा, मैं पिक कर लूँगा अगर मुझे पिक करना पड़ा तो, रुक जा भी, उसके अलावा टीम दस टी खान, दिलवार खान, रुक जा पहले नीचे देख लेते, नीचे कोई खास नहीं, ऊपर से देखना पड़ेगा अभी, तो लुकवास पिक कर लो क्योंकि इस बंदे को बैटिंग कर रहे होते, विराज दत्त है बॉलिंग करेगा, अब डी खान पिक करो नहीं करो उससे मतलब नहीं है, नीचे देख लेते पहले, नीचे कोई खास प्लेयर नहीं है जो छूट जाएगा बाद में दिक्कत कर जाएगा, एस जे वगैरह कोई खास नहीं है, नहीं है, वो हेल्थ को पिक कर लेते क्योंकि मिडल ऑर्डर संभालेगा, वनडे मैच है, अब 11 प्लेयर किसके साथ जाओगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात है कि भैया वो 11 प्लेयर किसको पिक करे, क्योंकि देखो ऑप्शन के तौर पर तो तरनजीत सिंह पिक कर सकता हूँ, एक बैटर ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वनडे मैच है तो हिसाब से टीम क्रिएट करना होता है, तो अगर मुझसे पूछोगे 11 पे किसके, तो देखो लोग नील ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है आप ट्राई कर सकते हो, एक ठीक प्लेयर हो सकता है नील, रुसवर्धन पटेल ट्राई मत करो क्योंकि अवेलेबल नहीं है, राखी पटेल नहीं, समझो मैं समझ गया था, क्रेडिट टीम में सचिन वगैरह ट्राई कर लेना, ये सब अच्छे हैं लेकिन मज़ा नहीं आया, निकोलज अवेलेबल कहाँ सा हो गया, निकोलज का नाम ही नहीं है, रुको निकोलज खेलेगा तो पिक कर लूँगा, नहीं है अवेलेबल, नाम नहीं है निकोलज का, नहीं तो मैं पिक कर लेता, निकोलस पिक करने मुझे टाइम लगता है, ठीक ना, ये सब अवेलेबल नहीं है, मैं अभी पुष्कर शर्मा के साथ चला रहा हूँ, थोड़ा सा इनफॉर्म प्लेयर है, मात्र 3 पर सिलेक्शन, सिलेक्शन मत देखो प्लेयर मत दम देखो, ओपनिंग करेगा बंदा, बॉलिंग भी करता है, हम लोग एक टाइम पे कितना कैप्टन और कैप्टन किए हैं, मतलब हद है, मतलब 3 पर सिलेक्शन तो मैं डर जाऊंगा, नहीं पिक करूंगा, तो लॉजिक करिए अपना, सिलेक्शन हटा देंगे ट्रेन में तो आंखों देंगे टीम क्रिएट कर देंगे, कैप्टन से बात करें तो यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं देखना अपने को, कैप्टन तो इसे सैफ अहमद ही ठीक है भाई क्योंकि सेंचुरी मारा है, वनडे मैच है, अच्छा फॉर्म है, क्या ही चाहिए, हालांकि इरफान करीम वगैरह भी ये लोग भी सेंचुरी मारते हैं, हमजीत साहब वगैरह, बट इसकी बात अलग बंदे की, खैर कैप्टन जा रहा हूँ, हालांकि राकी पटेल के साथ भी जा सकते हो, मैं अपना वाइस कैप्टन राकी पटेल जा रहा हूँ, मेरा मन तो राकी पटेल कैप्टन था, सैम नगीचे वगैरह ये सब ट्राई करने का मन था, पुष्कर शर्मा ट्रम्प कार्ड हो सके क्योंकि थोड़ा सा इनफॉर्म प्लेयर है, जल्दीबाजी नहीं करता, आराम से खेलना पसंद करता, वनडे मैच है आराम से खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीम परफेक्ट है, अगर पहले बॉलिंग करें ना कहना तो कोशिश करिएगा सैम नगोचे, विराज पटेल, लुकास, ये 3 जबरदस्त बेहतरीन सीबीसी के, बाकी टीम 1 नंबर क्रिएट किया, ऊपर से बता रहा हूँ आपको, टीम देख के लग रहा होगा हाँ ये मस्त सी टीम है, देखो टीम देख से लग रहा है कि टीम एकदम वनडे मैच के हिसाब से परफेक्ट है, थोड़ा लॉजिक के लिए क्या हो, सेम टेबल टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम उसमें जा सकते हो, सेम टीम के साथ जा सकते हो, टीम परफेक्ट है, सैफ अहमद एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन है राकीब पटेल, आप चाहो तो सीबीसी रिवर्स कर सकते हो, या फिर हैनरी किशन को कर सकते हो, या फिर नहीं सी बी सी परफेक्ट है, मुझे इधर चेंजेस करने की जरूरत है वनडे मैच के हिसाब से, दोनों ही परफेक्ट सी बी सी है, दोनों का बैटिंग ऑर्डर सेम है, बॉलिंग भी सेम है, तो सही है, सेम टू कंटेस्ट बुक कर दो, हाँ सब्सक्राइब करके ही जाना, पहले बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो विन नहीं करोगे, 1 लाख सब्सक्राइब थोड़ा सा अपने करने, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो छोटा से छोटा ना, प्लीज़ आप एक कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा, बाकी टीम 1 नंबर है, ग्रैंडली खेलो, दबा के खेलो, ग्रेडी पुष्कर शर्मा को कोई ट्राई नहीं, आप कैप्टन करो ना।
कितना ज़बरदस्त पिक है। ग्रैली के लिए ज़बरदस्त मैच है, विकास को करो कैप्टन, विराज को करो, कितना ज़बरदस्त मैच है ग्रैली के लिए। केन्या फेवरेट रहेगी, केन्या इस मैच को विन करेगी, ऐसे मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी मिलता है यहाँ पर डेट आपको मैं कर दूँगा। बाकी टीम एकदम न्यूट्रल क्रिएट किया, एकदम सेफ पार्टी। स्क्रीन शॉट ले लो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, पहले लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ही लेना।